हेलो एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज कंट्रोल हमने इससे पहले की वीडियो में किया है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी ये जो टॉपिक है वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी से मिलता जुलता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में हमने क्या किया था कि एक कर... एक देश की करेंसी को हमने दूसरी करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्ट करना है ये एक एक्सचेंज कंट्रोल ये तो था कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी ये जो एक्सचेंज कंट्रोल है ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज नहीं कर सकते एक्सचेंज नहीं कर सकते इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सचेंट एक्सचेंज कंट्रोल जैसे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में हमने दो टाइप्स किए थे कि एक तो फुली करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होता है और एक पार्शली आ, पार्शली करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होता है एक्सचेंज कंट्रोल के भी टू पार्ट्स आएंगे कौन सा होगा एक तो होगा फुल फ्लैच फुल फ्लैच एक्सचेंज कंट्रोल मतलब कि पूरा का पूरा एक्सचेंज कंट्रोल है कि आप एक्सचेंज को आ, मतलब एक्सचेंज नहीं कर सकते गवर्नमेंट ने पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि आप अपनी एक करेंसी को दूसरी करंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरा आता है पार्शियल पार्शली या पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल तो इसमें भी क्या कहता है कि गवर्नमेंट कुछ एक कंडीशन रखती है कि अगर आप वो कंडीशन को फुलफिल करते हो उसके बाद ही आप अपना एक्सचेंज को कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं मतलब कि पार्शियल कंट्रोल रखा गया है इसमें फुल कंट्रोल रखा गया कि आप नहीं कर सकते है. इसमें अगर आप कुछ कंडीशन हैं उनको पूरी करते हो तो आप कर सकते हो एक्सचेंज ठीक है तो एक्सचेंज कंट्रोल को मैंने एक एक आपको बेसिक सा बता दिया है जिससे आपको आगे की चीज़ें क्या है समझ आ जाएंगी नेक्स्ट हम करते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल की हम कुछ मीनिंग्स करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है एक्सचेंज कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट समझने वाली बात यह है कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है या इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो जिस भी कंट्री को हमें वो इंटरनेशनल जिस भी कंट्री के साथ हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है या जिस भी कंट्री के साथ हमें को हमें इंटरनेशनल पेमेंट देनी है तो उसके लिए हमें उस कंट्री की हमारे पास करेंसी का होना बहुत ज़रूरी है विदाउट उस कंट्री की करेंसी के हम उन्हें पेमेंट या उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ऐसी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर डॉलर चलता है ठीक है तो हम अगर द, अगर डॉलर वाली कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें पहले रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर के अंदर तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कन, करने का मतलब है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी मतलब कि अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर हमें कंट्रोल करना है इंटरनेशनल ट्रेड पर और इंटरनेशनल पेमेंट पर तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे हम एक्सचेंज को कंट्रोल करेंगे क्योंकि एक्सचेंज को कंट्रोल करने से हम क्या करेंगे जो जो लोग हैं जो वहाँ की पब्लिक है जो उस कंट्री के पब्लिक है वो जो इंटरनेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल पेमेंट है तो वो नहीं कर पाएगी तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक्सचेंज पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेशनल ट्रेड पे और इंटरनेशनल पेमेंट पे कंट्रोल कर लेंगे तो इसी तरीके से कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट बात क्या कहता है कि इंटरनेशनल सॉरी uh, जो एक्सचेंज कंट्रोल होता है उसका मतलब क्या है uh, uh, जो एक्सचेंज कंट्रोल है उसका मतलब है रिस्ट्रिक्ट करना मना करना या फ्री कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ऑफ फ़ॉर एक्सचेंज या फिर कैपिटल मतलब कि जो फ़ॉन एक्सचेंज और फ़ॉरन कैपिटल के जो फ्री इनफ्लो है फ्री कैश इनफ्लो और फ्री कैश आउटफ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना

अब बात आती है कि जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लगती किस पे हैं तो सबसे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं नॉन रेजिडेंट पे और सेकंड रजिस्ट्रिक सॉरी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं रेजिडेंट पे नॉन रेजिडेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगती है कि जो नॉन रेजिडेंट है वो हमारी कंट्री की लोकल करेंसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ लोकल करेंसी बाय द नॉन रेजिडेंट्स मतलब जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री की लोकल जो करेंसी है जैसे कि हमारी कंट्री की रुपी है तो उसके उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता डॉलर टू कन्वर्ट डॉलर को कन्वर्ट नहीं कर सकता रुपीस में तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं नॉन रेजिडेंट के लिए रेजिडेंट के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि जो रेजिडेंट है वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर सकता ये रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगी है मतलब कि वो रुपीस से डॉलर या फिर जो पौंड होता है या अनदर जो भी करेंसीज होती हैं फॉरन की तो उनके साथ क्या है एक्सचेंज नहीं कर सकता ये रिस्ट्रिक्शंस लगी है साथ ही साथ क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता किसी अनदर कंट्री में मतलब जो हमारी कंट्री का रेजिडेंट है वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और जो बाहर का नॉन रेजिडेंट है वो हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ पर एक पेमेंट आएगी इंटरनेशनल पेमेंट आएगी और इंटरनेशनल पेमेंट को ही यहाँ पर कंट्रोल करने की बात कही गई है फिर बात आती है कि जो रेट है वो करेंसीज का जो रेट है एक्सचेंज का करेंसी uh, एक्सचेंज का जो भी रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेज हैं इसके अकॉर्डिंग जो करेंसी का रेट होता है द रेट ऑफ करेंसी वो चेंज होता रहता है फॉर एक्जाम्पल हमारी जो करेंसी का रेट है वो अबाउट सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू वन डॉलर होता है एट प्रेजेंट लगभग सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट या टाइम टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है और किस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जो है रेट्स हैं वो बढ़ते या कम होते रहते हैं फिर बात आती है कि जो एक्सचेंज कंट्रोल है इसके टाइप्स कौन से होते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं फुल फ्लेज एक्सचेंज कंट्रोल एंड सेकंड होता है पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल फुल फ्लेज एक्सचेंज कंट्रोल क्या कहता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो फुल्ली कंट्रोल है उसमें किसी भी तरह की किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी मतलब कि आप लोग किसी भी तरह से एक्सचेंज को मतलब करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर सकते ये कहता है हमारा फुल फ्लेज एक्सचेंज कंट्रोल पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल क्या कहता है कि कंट्रोल्स तो है रिस्ट्रिक्शंस तो हैं कि आप नहीं कर सकते एक को दूसरी में कन्वर्ट लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपको छूट दी जाएगी कुछ आपके सामने कंडीशंस रखी जाएंगी कि अगर आप वो कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो तो आप क्या है पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल टेक्निक है इज अडॉप्टेड फॉर प्रमोट कंट्रीज करेंसी मतलब कि कंट्री की करेंसी को प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्ट uh, करने के लिए ही जो ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है वो अपनाया जाता है कैसे uh, किया जाता है कि हमने फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको कंट्रोल किया है हम कन्वर्ट नहीं करने देंगे अपनी करेंसी को मतलब रुपी को डॉलर में या किसी अनदर uh, जो भी करेंसी है उसमें कन्वर्ट नहीं होने देंगे इससे क्या होगा जो हमारी कंट्री है उसमें जो रिजर्व्स होंगे जो हमारी कंट्री uh, के जो रिजर्व्स होंगे फॉरेन एक्सचेंज के तो वो भी बच जाएंगे और उससे हमारी जो करेंसी है कंट्री की करेंसी है वो भी प्रोटेक्ट होगी तो यही चीज़ बोलते हैं कि हमारी कर, आ, कंट्री की जो करेंसी है वो प्रोटेक्ट होगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो एक्सचेंज होते हैं जो आर ने एक एक रिज़र्व बना के रखना होता है आर ने एक रिजर्व बना के रखना होता है फॉरेन एक्सचेंज का तो वो भी हमारे पास रिज़र्व बन के रह जाएगा अगर हम रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे या उस पर कंट्रोल लगाएंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे इसमें एक छूट दी गई है क्या छूट दी गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर बाहर जाना चाहता है हॉलीडेज मनाने के लिए छुट्टियों पे जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए तो वो लिमिटेड फॉरेन करेंसी को वहाँ लेकर जा सकता है ये इसमें फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल में एक छूट दी गई है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर हॉलीडेज मनाने के लिए बाहर जाना चाहता है फॉरेन में जाना चाहता है तो वो लिमिटेड करेंसी लेके जा सकता है फिर कहते हैं कि कॉमनली जो एक्सचेंज कंट्रोल है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है तो इसमें सबसे फर्स्ट ये कहा है कि बैनिंग द यूज़ ऑफ द फॉरेन करेंसी मतलब कि फॉरेन करेंसी के यूज़ पे पाबंदी लगाई गई है बैन किया गया है कि हम फॉरेन करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विद चेंज विद द विदिन कंट्री मतलब कि uh, जो चेंज की जाएगी जो कन्वर्ट की जाएगी जैसे कि uh, मैंने आपको बोला रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इन विद इन द कंट्री जो भी चेंज किया जाएगा डोमेस्टिक करेंसी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर अब बात आती है कि अगर हम एक्सचेंज कंट्रोल अगर हम एक्सचेंज कंट्रोल को लाते हैं इस पॉलिसी को लाते हैं इस टेक्निक को अपनाते हैं तो हमारी जो इकॉनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी या फिर वीक होगी तो ये क्वेश्चन uh, बहुत अराइज होता है कि uh, जो एक्सचेंज कंट्रोल अगर हम करते हैं तो हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी या वीक हो जाएगी तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर हम एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं तो हमारी इकॉनॉमी वीक हो जाएगी वीक क्यों हो जाएगी क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी सिर्फ हमारी ही कंट्री तक सीम रह जाएगी जिससे वीकर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी पे। फिर बात आती है कि स्ट्रॉन्ग कौन सी इकॉनमी होगी स्ट्रॉन्ग वो इकॉनमी होगी जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी जिसमें करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ होंगी जहाँ पर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की रूल को अपनाया जाता है जहाँ पर एक्सचेंज कंट्रोल को नहीं अपनाया जाता क्योंकि एक्सचेंज कंट्रोल मतलब ही यही है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करना हमें इंटरनेशनल पेमेंट नहीं करनी तो इसी वजह से क्या है हमारी जो इकॉनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ठीक है अगर हम करेंगे अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट होगा हमारी इकॉनॉमी में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की पॉलिसी को अपनाया जाएगा तो हमारी इकॉनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी अदरवाइज हम वीक इकॉनॉमी में चले जाएंगे फिर बात आती है एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिसाइड करेगा अगर हम नॉर्मली किसी भी इकॉनमी की बात करें तो वहाँ पर जो एक्सचेंज का रेट होता है जैसे मैंने आपको बताया कि आ, रुपी का जो रेट है वो सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट है अकॉर्डिंग टू डॉलर ठीक है वन डॉलर ठीक है तो वन डॉलर के अकॉर्डिंग जो रुपी का रेट है वो सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट है तो वही कहते हैं कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिसाइड कौन करता है ये डिटरमाइन की जाती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा इन नॉर्मल इकोनॉमी ठीक है जैसे कि डिमांड एंड सप्लाईज हमारी होती हैं जो मार्केट फोर्सेज होती हैं लेकिन अगर हमारी इकॉनमी एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक को अपनाती है तो जो भी कंट्रोल होगा जो भी डिटरमिनेशन होगी रेट ऑफ एक्सचेंज की वो कंट्रोल और मैंटेन की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा एंड आर के द्वारा ठीक है आरबीआई और गवर्नमेंट ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हमें रेट ऑफ एक्सचेंज को हमें कैलकुलेट करना होता है डेटरमाइन करना होता है इन द गवर्नमेंट इंटरफेस इज़ अलाउड इन दिस इस जो uh, जो हम इकोनॉमिक सॉरी uh, हम जो एक्सचेंज uh, कंट्रोल की बात करें तो एक्सचेंज कंट्रोल में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस अलाउड होता है जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर फेयर uh, कर सकती है किसी भी चीज़ में किसी भी uh, जब डेटरमिनेशन होता है मार्केट प्राइस uh, या फिर जो रेट होता है एक्सचेंज का वो डेटरमाइन होता है तो उस वक्त गवर्नमेंट गवर्नमेंट फुली इंटरफेयर करती है सारे रूल रेगुलेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इंटरफेयर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाई द इंटरनेशनल पेमेंट इन द इंटरनेशनल पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट में चाहे वो डायरेक्टली इंटरफेयर करे चाहे इनडायरेक्टली इंटरफेयर करे जो गवर्नमेंट है उसे पूरा राइट है कि वो इंटरफेयर कर सकती है इंटरनेशनल पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड में ठीक है फिर नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ द ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू करेक्ट द एडवर्स प्रॉब्लम ऑफ बीओपी अब बीओपी क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल uh, कब होता है फेवरेबल होता है जब हमारा एक्सपोर्ट जो हो वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। इन्होंने क्या बोला है द एडवर्स प्रॉब्लम ऑफ बी एडवर्स प्रॉब्लम ऑफ बी क्या होता है जब हमारा जो इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट मतलब कि इसे हम एडवर्स बोलते हैं या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं जहाँ पर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो इन्होंने बोला है कि हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को अपना सकते हैं हमने एक्सचेंज कंट्रोल तो किया ही किया है लेकिन हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी कंट्री का जब हमें कोरेक्ट करना हो हमारा एडवर्स प्रॉब्लम ऑफ पीओपी फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में चल रहा है इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम इस इस जो सिचुएशन है उसको सही करना चाहते हैं कोेक्ट करना चाहते हैं हम क्या करेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो ज्यादा हो इन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट हम ये चाहते हैं तो अगर हम ये चाहते हैं तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं अब नेक्स्ट हमारी आती हैं डीमेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल मतलब हम एक्सचेंज कंट्रोल तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी को अपना रही है लेकिन उससे हमें क्या क्या नुकसान होंगे क्या क्या डीमेरिट्स होंगे द फर्स्ट इट इट रिड्यूस द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो कम हो जाएगा कैसे कम हो जाएगा क्योंकि हम क्या है एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहे हैं हमने एक्सचेंज को कंट्रोल किया क्यों ताकि हम इंटरनेशनल पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड को ख़त्म कर सकें कंट्रोल कर सकें और आ, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें तो इससे क्या होगा जो वैल्यूम और वोल्यू uh, है वैल्यू एंड वॉल्यूम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की वो कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक्सचेंज uh, कंट्रोल किया है नेक्स्ट क्या कहते हैं इट टेंड टू क्रिएट ब्लैक मार्केट अब देखो कोई भी चीज़ है वो सीधे सीधे नहीं होगी तो जो लोग हैं उसको गलत तरीके से तो करेंगे ही करेंगे इसीलिए कहते हैं कि अगर हमने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अगर गवर्नमेंट करेंसी कन्वर्टिबल नहीं करती है आ, हम हमारे हम चाहते हैं कि हमारी रुपीज से हम डॉलर में कन्वर्ट कर दें गवर्नमेंट क्या कहती है मैं नहीं करने दूंगी तो लोग क्या करेंगे लोगों को तो करना ही है किसी भी तरीके से करें तो वो ब्लैक मार्केट का यूज़ करेंगे या फिर फॉरन एक्सचेंज की स्मगलिंग करेंगे उसको जमाखोरी करेंगे उस चीज की मतलब कि सीधे से तरीके से कि वो एक इलीगल वर्क करके अपने काम को पूरा जरूर करेंगे जिन लोगों को रुपयी में रुपये से डॉलर में अपनी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट करनी है नेक्स्ट क्या कहते हैं इट लीड्स टू रेड टेपिज्म करप्शन एंड इनफिशियंसी इसकी वजह से क्या आएगा अगर एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है तो रेड टेपिज़्म मतलब लाल फीता शाही जो रूल होता है वो आ जाएगा लोग करप्शन करेंगे और इनफिशेंसी आ जाएगी क्योंकि लोगों को मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि लोगों को तो करना ही है रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है वो गलत तरीकों को अपना के करेंगे करप्शन करेंगे इनफिशेंसी आ जाएगी रेड टेपिज़्म आ जाएगी तो ये चीज़ें इससे आएंगी एक्सचेंज कंट्रोल लीड्स टू हवाला ट्रांजेक्शन इससे हवाला ट्रांजेक्शन भी क्रिएट होगा हवाला ट्रांजेक्शन एक इलीगल एक्टिविटी होती है इसमें क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ कि इसमें एक पर्सन है जो बाहर है इंडिया से बाहर है इंडिया से बाहर होने के इंडिया आउट ऑफ इंडिया लिख देते हैं आउट ऑफ़ इंडिया इंडिया से बाहर है वो क्या करेगा किसी एक हवालादार एक हवालादार एक एजेंट होगा उस हवालादार के मदद से वो अपनी जो फॉरेन करेंसी वहाँ पे कमा रहा है वो इंडिया में भिजवाएगा ठीक है इंडिया में कोई उसकी फ़ैमिली है फ्रेंड है या कोई भी है तो वो उसे भिजवाएगा और ये जो हवालादार होगा वो इससे कोड मांगेगा और ये इसको कोड देगा ठीक है तो इस तरीके से ये इसको कोड घर बता देगा तो इस तरीके से क्या है एक इल्लीगल वर्क हो जाता है आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक इल्लीगल एक्टिविटी है जो कि इसकी डिमेरिट में आ जाती है हवाला ट्रांजेक्शन जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज कंट्रोल की वजह से क्रिएट होगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल क्यों किया गया मतलब कि एक्सचेंज कंट्रोल की जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई वो क्यों अपनाया गया ऐसी टेक्निक क्यों अपनाई जाती है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है या फिर एक्सचेंज कंट्रोल हम जिसे बोलते हैं अगर हम फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल ना बोले तो एक्सचेंज कंट्रोल जिसे बोला जाता है फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों इम्पोज़ किया कंट्रोल ऑन एक्सचेंज कि हमने क्या है रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो वो क्यों लगाएगी? क्यों गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कंट्रोल ऑन एक्सचेंज? एक्सचेंज पे कंट्रोल क्यों इम्पोज किया? तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के? क्यों करना चाहती थी? तो वो सारा अब हम आगे करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट रीजन जो था वो ये था मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर � ज़्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे हम एक्सचेंज कंट्रोल कर देंगे एक्सचेंज कंट्रोल से क्या होगा जो हमारे इंटरनेशनल पेमेंट हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे तो इसीलिए क्या है इम्पोट को कम करने के लिए क्योंकि ये हमारी इकॉनमी के लिए एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारा क्या होना चाहिए एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इम्पोर्ट से लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो हमें एक्सचेंज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है तो इसी से देखो क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ बी अगर हमें बी बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक्सचेंज कंट्रोल करना होगा प्रोटेक्ट किस चीज़ से जो भी डेफिशेंसी आ रही है अगर हम एडवर्स इफेक्ट आ रहा है इकॉनमी पे या फिर कोई अनफेवरेबल इफेक्ट आ रहा है बी का हमारी इकॉनमी पे तो इसलिए हमें क्या है एक्सचेंज कंट्रोल की जो आ, टेक्निक है उसको अपनाना पड़ेगा फिर क्या कहता है टू करेक्ट द डेफिशिएट ऑफ बीओपी वही बात है कि बीओपी की जो डेफिशिएट होती है मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हमें क्या है एक्सचेंज को कंट्रोल करना पड़ता है फिर क्या कहता है मेटिंग करेक्शन मेकिंग करेक्शन विद रिगार्ड टू डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट uh, इस इक्वल्स टू इम्पोर्ट इसे हम बोलते हैं इक्वलीरम है ना हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम ना ही इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इन्होंने क्या कहा डिसक्वलियरम आ जाता है जब हमारे बी ओ पी में हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगते हैं तो हम क्या करेंगे उस डिसरम को सही करने के लिए करेक्ट करने के लिए हम एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसी को अपनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टू कंट्रोल फॉरन ट्रेड सीधी सी बात है फॉरन ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल पेमेंट को रोकने के लिए उन पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन इम्पोज इम्पोज करने के लिए ही एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम प्रोडक्ट्स मतलब कि हमें होम प्रोडक्ट्स जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होम प्रोडक्ट्स मतलब कि वो चीज़ें जो हमारी हमारी इंडिया में बन रही है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हम जिसे बोल सकते हैं मतलब कि हमें किसी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना हम खुद की कंट्री में ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे अब खुद की कंट्री हमारी ये कंट्री है इसके बाहर की कंट्री का हमें प्रोडक्ट नहीं लेना तो इस कंट्री के अंदर हमें प्रोडक्ट ही बनाने पड़ेंगे और अगर प्रोडक्ट बनते हैं फिर भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो कंट्री है वो तो कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो तो खराब जाएंगे इसीलिए जो होम कंट्री में जो भी इंटरेस्ट है होम कंट्री की जो प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बैलेंस ऑफ एक्सचेंज uh, कंट्रोल की जो uh, टेक्निक है उसे अपनाया जाता है नेक्स्ट क्या कहते हैं टू चेक एंड प्रोवेंट प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ कैपिटल आउटफ्लो ऑफ कैपिटल मतलब कि जो भी पैसा जो भी कैपिटल बाहर जा रही है मतलब कि हमारी कंट्री से जो भी पैसा जो भी uh, प, uh, जो भी इन्वेस्टमेंट है जो बाहर हो रही है हमारी कंट्री से बाहर हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए बचाने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि कितना पैसा जा रहा है इसको देखने के लिए भी हमें एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक को अपनाना पड़ता है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टू मेंटेन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड स्टॉप फ्लक्चुएटिंग द एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट हमने किया कि कैसे डेटरमाइन होता है जो मार्केट फोर्सेस होती हैं जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस हैं यही हमारी जो uh, रेट होती है उसको फ्लक्चुएट करते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती हैं कभी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं तो इसी चीज़ को रोकने के लिए स्टेबल बनाने के लिए मेनटेन रखने के लिए ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशनस लगाती है रूल uh, रेगुलेशन लगाती है एक्सचेंज कंट्रोल करती है जिससे क्या है हमारी जो एक्सचेंज रेट होती है वो फिक्स हो जाती है फ़्लक्चुएट नहीं होती एक टाइम के लिए फिक्स्ड वो कर देते हैं ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो एक्सचेंज रेट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रीपेमेंट ऑफ़ फ़ॉरेन लोन्स एंड रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट ने हमारी जो गवर्नमेंट होती है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने फॉरेन की बहुत सी कंट्रीज से जो लोन है वो लिया हुआ है और एक्सटर्नल डेट लिया हुआ है अब अगर हमारी जो कंट्री है गवर्नमेंट है या आर है वो नॉर्मल पर्सनस को भी अगर रुपये का डॉलर कन्वर्ट करने लगी तो वो अपने फ़ॉरन लोन्स को फ़ॉरन डेट्स को कैसे कंप्लीट कर पाएगी तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है एक्सचेंज कंट्रोल की जो टेक्निक है वो अपनाती है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके और जो भी गवर्नमेंट ने या आर ने लोन्स देने हैं जो भी उन्होंने सर्विसेज ली हैं या फिर कोई भी लोन लिया है तो उसके सर्विसेज़ के पेमेंट करने के लिए उन्हें एक, एक्सचेंज की जो एक्सचेंज जो हमारी करेंसीज होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इसीलिए वो एक्सचेंज कंट्रोल को लेके आते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जनरेटिंग पब्लिक रिवेन्यू बाई अडोप्टिंग मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम देन कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लेस एक्सचेंज को कंट्रोल गवर्नमेंट करके नेक्स्ट uh, पॉइंट आता है कि एक्सचेंज को कंट्रोल करके गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक से रिवेन्यू जनरेट करती है कैसे रिवेन्यू जनरेट करती है मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपना के मल्टीपल एक्सचेंज रेट को सिस्टम को क्या कहते हैं कि कभी तो प्राइस गवर्नमेंट क्या करती है लो कर देती है कभी उसी प्राइस को हाई कर देती है कब करती है जब उस प्राइ uh, uh, उस करेंसी को गवर्नमेंट ने खरीदना हो जब किसी करेंसी को गवर्नमेंट ने खरीदना हो तो वो अपनी जो करेंसी का रेट जो है वो लो कर देती है मतलब जब वो ख़रीदना चाहती है बाइक करना चाहती है तो अपनी करेंसी का रेट जो है वो लो कर देती है जिस टाइम वो बेचना चाहती है अपनी करेंसी को तब वो अपनी आ, अपनी जो आ, रेट है अपनी करेंसी का उसे हाई कर देती है इससे क्या होता है कि खरीदा तो हमने सस्ते में और बेचा हमने महंगे में हाई रेट में तो इससे क्या होता है कि हमें एक प्रॉफिट होता है जिससे जो गवर्नमेंट है अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसिज होते हैं उनको कवर mm -hmm. करती है इसी से एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसिज होते हैं कॉस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ़ डिप्रेशन डिप्रेशन के जो फैलाव होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कंट्रोल कर लेती है कि इनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के बाद जो डिप्रेशन होता है उसको फैलाव से जो गवर्नमेंट है वो बचाती है इसीलिए गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक को लेके आती है यही ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट को टेक्निक लाने का एक्सचेंज कंट्रोल की नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मेनटेनिंग द ओवर वैल्यू ऑफ़ द होम करेंसी जो हमारी होम करेंसी है फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया जो होम करेंसी है तो इंडिया की जो करेंसी uh, है इंडिया की जो करेंसी है रुपी, इसको ओवर वैल्यू होने ओवर वैल्यू मेंटेन करने के लिए मेंटेन द ओवर वैल्यू ऑफ होम करेंसी मतलब कि इंडिया की जो करेंसी है उसको ओवर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाने की बात चल रही है कि हम कैसे उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं उसकी वैल्यू को ज़्यादा बनाना कैसे होगा मतलब कि इंडियन करेंसी की वैल्यू को ज़्यादा बनाना कैसे करना है तो इस तरीके से हो सकता है एक्सचेंज जो एक्सचेंज कंट्रोल थे कैसे करेगी गवर्नमेंट क्या क्या करेगी पहले रुपी जो है वन डॉलर के इक्वल में हमारे सिक्सटी रुपीज़ आते हैं फिर गवर्नमेंट ने क्या किया हमारी जो ओवर वैल्यू करने के लिए हमारी करेंसी को ओवर वैल्यू करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक को आया जिससे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो हमारी करेंसी है इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज़ है इससे क्या हुआ कि हमें पहले एक डॉलर लेने के लिए सिक्सटी रुपीज़ देने पड़ते थे लेकिन अब हमें एक डॉलर देने के लिए फिफ्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे मतलब दस रुपए कम देने पड़ेंगे मतलब हमारी जो कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है दस रुपीज़ से ठीक तो है दस रुपीज़ हमारी जो हमारी कंट्री की वैल्यू है वो बढ़ गई है आप लोग ये मत सोचो कि सिक्सटी से फिफ्टी हो गई है तो वैल्यू तो कम हुई है इसका मतलब यही है कि हमें एक डॉलर के बदले में कितने देने पड़ रहे हैं एक डॉलर के बदले में अगर हमें साठ रुपये देने पड़ रहे हैं मतलब हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अगर वहीं हमें उसके बदले में एक डॉलर के बदले में फिफ्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे मतलब इन कंपेरिजन टू हमें दस रुपये कम देने पड़ रहे हैं तो इससे क्या हुआ हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो इसी ये एक एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कि अगर हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती है मतलब रुपी की अमाउंट कम होती है जैसे सिक्सटी टू फिफ्टी हो गई इसका मतलब ये है कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है अगर फिफ्टी टू सिक्सटी हो जाती है मतलब अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले एक रुपये में पचास रुपये देने पड़ रहे थे अब हमें एक डॉलर में साठ रुपये देने पड़ रहे हैं मतलब हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं मतलब जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू हो गई है कम हो गई है हमारी करेंसी की वैल्यू एडवर्स इफेक्ट होता है वैल्यूएशन करने के लिए हमारी करेंसी को किसी अनदर करेंसी में करेंसी uh, को वैल्यूएट करने के लिए लास्ट पॉइंट आता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल का कि एक्सचेंज कंट्रोल क्यों किया जाता है यही चेक uh, करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए कि जो गुड्स हैं जो अनडिज़ायरेबल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं हम फालतू में ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कंट्री में भी वही प्रोडक्ट बन रहा है और आउट ऑफ द कंट्री भी वही प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में जब वो प्रोडक्ट बन रहा है तो यही चीज़ चेक करने के लिए कि कहीं हम कुछ अनडिज़ायरेबल गुड्स को इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए उसको बचाने के लिए कि हम अगर हमारी कंट्री में बन रहा है तो इसको हम इम्पोर्ट ना करवाएं या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी कंट्री में हम बनवा सकते हैं जो कम कॉस्ट पे कम किसी खर्चे के तो बन सकता है तो उसे हम अपनी ही कंट्री में बनवाना फिर क्या कहता है कि इंपोर्टिंग ओनली इसेंशियल गुड्स जो इंपोर्टेंट गुड्स हैं उन्हीं को ही हम क्या है इंपोर्ट करवाएं जो गुड्स को ऐसे है कि बिना इंपोर्ट किए हम चला सकते हैं हमारी ही कंट्री में हम बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन हो सकती है तो हम क्या है उस प्रोडक्ट को अपनी ही कंट्री में बनाएंगे और यही चेक करने के लिए ये इसी को प्रिवेंट करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक को गवर्नमेंट लाती है ठीक है तो ये थे कि गवर्नमेंट क्यों एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक को लेके आती है क्यों इंपोज करती है एक्सचेंज पे कंट्रोल और साथ ही साथ एक्सचेंज कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये सेम है पॉइंट्स टेन पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं तो आगे का जो हम करते हैं वो है मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल क्या है? कहता है कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम हमारी जो कंट्री uh, की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज होने से कंट्रोल कर सकते हैं क्या क्या मेथड्स हैं इसके दो मेथड्स हैं एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड क्या कहता है डायरेक्ट मेथड जो होता है एक्सचेंज कंट्रोल का वो इंक्लूड करता है वो सारे डिवाइसेस जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिवाइसेस अडॉप्ट किए जाते हैं एक्सचेंज कंट्रोल को कंट्रोल uh, एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए वो सारे डायरेक्ट मैथड में इंक्लूड होते हैं वो क्यों किए जाते हैं क्यों ये एक्सचेंज uh, कंट्रोल का डायरेक्ट मैथड यूज़ होता है क्यों गवर्नमेंट अडोप्ट करती है कुछ डिवाइस uh, तो क्यों करती है कि इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज रेट पर क्योंकि एक्सचेंज 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 रेट जो होती है जो करेंसी की एक्सचेंज रेट होती है वो अप एंड डाउन होती रहती है मैंने पहले ही बोला कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं तो उसी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए फ़िक्स करने के लिए आ, क्या करते हैं जो हमारा गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसी को लेके आती है जिसकी वजह से क्या होता है एक्सचेंज कंट्रोल होता है और हमारे जो रेट होती है एक्सचेंज की जो रेट होती है वो कुछ हद तक फ़िक्स हो पाती है और जो इंडायरेक्ट मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड क्यों अपनाया जाता है इंडायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि इनडायरेक्ट मेथड डिज़ाइन करने के लिए कि डिज़ाइन टू तो रेगुलेट द इंटरनेशनल मोमेंट ऑफ तो गुड्स मतलब कि जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ़ गुड्स है मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब कि जो गुड्स हैं जो व्यापार हो रहा है सी टी सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्टिव मैनर में कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट करने के लिए ही इनडायरेक्ट मैथड का यूज़ होता है तो डायरेक्ट मैथड का यूज़ क्यों होता है डायरेक्ट मैथड किस लिए होता है कि गवर्नमेंट अडोप्ट करती है किस चीज़ के लिए जो हमारी आ, जो हमारी आ, रेट्स होते हैं एक जो हमारे एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड क्यों होता है जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स चल रही है इंटरनेशनली तो उनको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल मैथड का एंड इनडायरेक्ट मैथड का यूज़ किया जाता है तो मैथ तो ये दो मेथड्स हैं इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड के आगे कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि इंटरवेंशन है इंटरवेंशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बहुत सी चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि जो एक्सचेंज मार्केट है उसकी ओवर वैल्यू करनी है अंडर वैल्यू करनी है हमारे जो फॉरेन करेंसी के टर्म uh, में तो वही चीज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इंटरवेंशन का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है हमारे जो एक्सचेंज कंट्रोल का पॉलिसी लाकर एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन आता है सेकंड पॉइंट तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है जिससे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके ताकि जो होम करेंसी की जो फ़्लो है जो आ, रुपी का फ़्लो है जो हमारी करेंसी का फ़्लो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो वो क्या है रिस्ट्रिक्ट हो सके उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जा सके कुछ कंट्रोल हो सके उसी तरीके से एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स लेके आती है पेमेंट एग्रीमेंट्स गोल्ड पॉलिसीज पैगिंग ऑपरेशन ब्लॉक ऑपरेशन मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स तो ये सारे तरीके लेके आते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट वही मैंने जो आपको बताया था कि गवर्नमेंट कभी तो हमारे एक्सचेंज रेट को बढ़ा देती है कभी एक्सचेंज रेट को कम कर देती है कब बढ़ाती है और कब कम करती है जब जब एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज रेट है जब वो लो होगा जब एक्सचेंज रेट लो होगा तब वो क्या करेंगे बे कर लेंगे और जब एक्सचेंज रेट हाई होगा जब एक्सचेंज रेट हाई होगा तब क्या करेंगे उसे आ, सेल कर देंगे तो सेल करेंगे तो उसी तरीके से इनको जो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है प्रॉफिट जनरेट होगा तो इसी तरीके से क्या है गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल लाती है ताकि इस प्रॉफिट से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसिज होते हैं उनको कवर किया जा सके ये तो थे हमारे डायरेक्ट मेथड नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में भी बहुत से तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज को कंट्रोल करती है जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है ये चेंज इन द एक्सचेंज रेट जो इंटरेस्ट uh, रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज करती रहती है कभी ज़्यादा uh, कर देती है कभी कम कर देती है फिर टैरिफ ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट कोटाज लेके आती है किस तरीके से ये कहता है कि टैरिफ टैरिफ ड्यूटी क्या कहता है कि जब भी हमारी इकोनमी uh, जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए टैरिफ पॉलिसीज़ टैरिफ ड्यूटीज़ लगा देनी चाहिए टैरिफ ड्यूटीज आने से क्या होगा कि लोग जो होंगे वो आ, जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे और हमारा इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन होगा मतलब कि हमारे ही इंडिया में उन सब्सिट्यूशन क्या होता है कि हमारे ही इंडिया में वो प्रोडक्ट जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होगा जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट बाउंड्रीज होते हैं जैसे मतलब कि इसमें कुछ तरह के सब क्या बोलते हैं उसे सब्सिडीज़ दी जाती हैं कुछ तरह की सब्सिडीज़ दी जाती हैं ताकि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो सके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सब्सिडीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है फिर बात आती है कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसमें होते हैं जैसे एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम डिवाइज होती है और इसकी बहुत सी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं एक स्पेसिफ़िक पर्पस की तो इसी बोलते हैं हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो आज की वीडियो में हमने किया हमारे जो एक्सचेंज कंट्रोल हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ एक्सचेंज कंट्रोल एंड द लास्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक थैंक यू सो मच फॉर लिसन में वेरी केयरफुली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे अगर आपको कोई डाउट होता है कोई क्वायरी होता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स का आपके लिए हमेशा खुले हैं